हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जो भी नए आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की जो घंटी है उसे जरूर बजा दे, जिससे मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताने वाली हूँ अपने बालों का राज, जो कि मैंने बहुत टाइम पहले से, तो नहीं एक साल पहले से ही कर रही हूँ। पहले तो मैं ऑयल वगैरह यही सब के मार्केट से ये ले लो वो ले लो, कुछ नहीं होता उन सब से, मेरे सारे कर चुकी हूँ। मामा अर्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी हूँ, बट कुछ भी नहीं होता। इसमें ना दो ही चीज़ें चाहिए, वो भी हमारे घर में होती हैं अवेलेबल, चावल और मेथी, जो कि हमारे घर में सबके घरों में होती होगी, ये तो होता ही है मतलब। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये वीडियो रात को शूट किया था जब मुझे चावल और मेथी भिगोने थे, तो मैं आपको वो क्लिप डाल दूंगी कि कैसे कैसे आपको करना है। फिर मैं अभी आपको किचन में लेके चलती हूँ और मैं वो दिखा देती हूँ कि वो भीग गए हैं तो कैसे लगाना है और कैसे यूज़ करना है मैं आपको। और जब मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको फ़ोटो भी डालूंगी एक साल पहले वाली, जो मेरे बाल बहुत छोटे थे, मतलब मैंने कटवा लिए थे। और अब मैं आपको अपने बाल दिखा देती हूँ, काफ़ी लंबे हो गए हैं, मतलब जितने मैंने कटवाए थे उसके अकॉर्डिंग तो बहुत लंबे हो गए हैं और टूटते भी नहीं हैं बाल। और ये लड़का लड़की कोई भी कर सकता है, कोई नहीं अच्छा, मतलब सबके लिए अच्छा है, लड़कों के लिए तो और भी अच्छा है। जो भी लड़कों को तो आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है बाल टूटने की, मैं नवनीत को यूज़ करती हूँ, नवनीत को भी बहुत फ़र्क लगा इससे। तो मैं किचन में चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, इसके लिए लेने हमें चावल, मैंने एक मुट्ठी चावल है, मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, डेढ़ मुट्ठी ले ली। अब मुझे ये मेथी है, मेथी बहुत कम लेनी है, मतलब आधी मुट्ठी मान लीजिए बस। और मुझे इसमें डाल देना है पानी, और अब मुझे इसको रात भर के लिए रखना है। ये मैंने रात को भिगो के रखे थे, जिसकी मैं क्लिप डाल दूंगी इसके पहले। और अब मुझे इसका पानी छानना है, जो मुझे ये पानी है ये मुझे एक मैं उसमें डालूंगी स्प्रे वाले। तो गाइज, ये मैं पानी ले आई, जो कि वो भिग मतलब भिगोने का रात भर रखना है उसको, जो उसका पानी होता है ये मुझे ये लिया है। और मेरी स्प्रे बोतल सारी खत्म हो चुकी है, जैसे कि ये इसमें भी भरा हुआ है, तो मैं इसमें ही डाल लेती हूँ और वैसे ही मैं यूज़ करती हूँ। आपके घर में भी तो बहुत सारे होंगे कुछ ना कुछ, और अभी तो कुछ मंगा भी नहीं सकते हैं, तो अभी ये ठीक है। और इसमें मैं डाल लूँगी, ये मैं बहुत टाइम पहले सोच रही थी बनाने का, बट मेरा ख़त्म नहीं हुआ था इसलिए मैं वेस्ट करना नहीं चाह रही थी। जब मेरा सारा ख़त्म होने वाला था तभी मैंने सोचा कि मैं वो बना लेती हूँ। ये मेरा देखो सारा ख़त्म हो गया और ये पूरा इसमें भर चुका है, कुछ इस कलर का ऐसे। और अब मुझे इसको कैसे अप्लाई करना है मैं एक बार बता देती हूँ, मतलब जड़ों में करना है ये ऐसे, बहुत अच्छे से नहीं लगाया है क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ बता रही हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। आपको जहाँ भी जो ऐसी जड़ें होती है ना, इसको कंघी से निकाल निकाल के पूरे में स्प्रे कर लेना। और इसके लगाने के बाद आपको धोने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रोज़ भी अप्लाई कर सकते हो और आपके बाल ऐसे ही सिल्की रहेंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि ऑयली लग रहे हैं या फिर स्मेल आ रही है, कुछ भी नहीं। पानी बहुत सही है, आप इसको डेली में यूज़ करते हैं। अगर आप डेली नहीं कर रहे हैं तो दो दिन में कम से कम एक बार तो ज़रूर अप्लाई करें। आपको मैं कह रही हूँ कि बहुत फ़र्क लगेगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको लंबे में दिखाती हूँ मेरे बालों में कितना फ़र्क लगा है। मैं इस वीडियो के बाद एक फ़ोटो भी डाल दूँगी जो मैंने
मैंने एक साल पहले फोटो खिंचवाई थी और मैं वो झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे इंस्टाग्राम पे भी डली होगी। मैंने बहुत छोटे बाल, इतने कम से कम इतने बाल कटवा दिए थे मैंने, और आगे के भी बहुत छोटे, मतलब जो कि यहाँ तक हैं वो मैंने यहाँ तक ऐसे कटवाए रखे थे। फोटो मैं डाल दूँगी, आप देख लेना एक बार, और ज़रूर आप भी अप्लाई करें और आपको भी बहुत फ़र्क लगेगा, मैं 100% कह सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद अप्लाई किया है एक साल तक और मुझे बहुत फ़र्क लगा। और मैंने नवनीत को भी किया है, नवनीत को भी बहुत ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। तो लड़का लड़की कोई भी, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है अगर आपके बच्चे हैं उनके बाल बढ़ नहीं रहे हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बालों में झड़ना बंद और बालों की ग्रोथ बढ़ेगी। बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि थोड़े थोड़े, बहुत तेज़ी से बाल बढ़ते हैं और झड़ते भी बहुत कम है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ढेर सारा प्यार दें इस वीडियो को। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रही हूँ लॉकडाउन की मस्ती, जो मैं हम लॉकडाउन में करते हैं मस्ती, तो क्या ही मतलब जो हम लोग का रूटीन है वो हम लोग ब्लॉग बनाएंगे उसके ऊपर। तो गाइस जब तक इस वीडियो को आप बहुत सारा प्यार दें, तो बाय बाय, टेक केयर।